हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं और सुरक्षित हैं, अपने घर पे स्टडीज़ को इन ऑनलाइन क्लासेस के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ मी, आप सभी को पता है आयुषी जोशी, जो कि 11th और 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। और ये जो आज की क्लास है वो 12th आर्ट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 2 का पार्ट 2 चल रहा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया हमने, अब तक 3 वीडियोस ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, आपके साथ शेयर हो चुके हैं। इन 3 वीडियोस में हमने स्टडी किया, सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस को क्या, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हमने जो चैप्टर 1 है उसे डिस्कस किया पूरी तरीके से एक ही वीडियो के अंदर। फिर हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया। चैप्टर 2 के अंदर पार्ट 1 को हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने पावर को डिस्कस किया था। चैप्टर 2 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 मेन टर्म्स को इंक्लूड करता है। एक तो है पावर, एक है ऑथोरिटी और एक है लेगिटिमेसी, ठीक है। पावर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अथॉरिटी और लेगिटिमेसी को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है आप रेडी रहिएगा स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए। इससे पहले कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन स्कूल की तरफ से लिया जाए, आप अपने वीडियोज़ को आप इन वीडियोज़ को देखिए और अपनी नोटबुक में होमवर्क को कंप्लीट करके उनके पिक्स मुझे सेंड कीजिए। आप पर्सनली कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? सबसे पहले तो पावर क्या है? पावर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत पहले से चला आ रहा है। उसी पावर के बेसिस पर जब किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन को किसी रूल या ऑर्डर के बेसिस पे, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में यहाँ बात की जा रही है जिसे हम ओबे करते हैं, वॉलंटरली फॉलो करते हैं, या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो ऐसी चीज़ जब हो जाती है इसका मतलब उस बंदे के पास क्या है? अथॉरिटी है। क्यों होती है अथॉरिटी? जब उसके पास किसी चीज़ का पावर होता है। समझ में आ रहा है आपको? जब किसी पर्सन को कुछ पावर्स दिए जाते हैं तो उसके पास में एक अथॉरिटी जनरेट हो जाती है, अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है। वो अथॉरिटी ये कहती है कि इस बंदे के पास में ये पावर है एंड ही इज़ लाइक, वो ये ऑथराइज्ड है इस चीज़ को करने के लिए, एंड यू हैव टू फॉलो और फॉलो द इंस्ट्रक्शन और ओबे दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके। अब जैसे कि किन किन बेसिस पे अथॉरिटी जो है उसे फॉलो किया जाता है, कौन कौन से बेसिस पे अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है, तो बेसिकली 4 मेन ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है। कौन कौन सी है वो? बिलीफ। आपको किसी पर विश्वास है, किसी पर बिलीफ है तो आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है यूनिफॉर्मिटी। अगर पुलिस है, पुलिस आपको बीच रास्ते में रोकती है, आपकी चालान काटती है, तो उनके पास बिल्कुल अथॉरिटी है। आप उनसे ये नहीं कह सकते आप होते कौन है मुझे रोकने वाले, नो, बिकॉज उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी है क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म है। यही अगर यूनिफॉर्म में नहीं है, कोई बंदा आपको कहकर कहता है रुको चालान दो, काटो चालान, काट रहे हैं हम लोग, चालान दो आप, पैसे भरो, तो क्या आप रुकेंगे? आप क्या कहेंगे? जस्ट गो अहेड। क्यों? क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म के बेसिस पर जो पावर्स होती है किसी के पास में वो अथॉरिटी के अंडर आती है। फिर होता है पब्लिक इंटरेस्ट। कोई राह चलता व्यक्ति जो आपको कहे कि भैया रोड क्रॉस तभी करना जब ग्रीन लाइट हो, आपको अगर रोड क्रॉस करनी है तो ग्रीन लाइट में करना, तो क्या वो गलत कह रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है, आपके हित के लिए बात कर रहा है, लोगों के हित के लिए बात कर रहा है। क्योंकि अगर ग्रीन लाइट होगी और आप रेड लाइट में जो है क्रॉस नहीं करके ग्रीन लाइट में रोड क्रॉस करते हैं, तो ग्रीन लाइट के तहत आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी आएगी आपको हिट करके जा सकती है। इस बेसिस पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब वो आपसे ये बात कहेगा और आप उसे फॉलो करेंगे तो उसको अथॉरिटी है कि वो आपको ये बात कहे, और आपको ये अथॉरिटी है कि आप उसे फॉलो करें, ठीक है। तीसरा, फोर्थ ऑप्शन जो होता है वो होता है प्रेशर। आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज करती है स्टडी करो, है ना। आपकी बहन भी करेगी, आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, भाई है, बड़ा भाई, छोटा भाई, वो सब आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं पढ़ाई करने को। तो क्यों कर रहे हैं? आप उनसे ये कहेंगे यू आर नॉट ऑथराइज टू डू सो, नो, आप, वो आपको प्रेशराइज़ करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ करेंगे, आपको पढ़ना है, आपका मूड है चाहे नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनके पास अथॉरिटी है उस चीज़ की, ठीक है। सो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों के बेसिस पर हमेशा अथॉरिटी को शो किया जाता है या आप किसी को ओबे करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़
काइंड ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए अथॉरिटी बेसिकली मैक्स वेबर जो है एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तीन तरह की अथॉरिटी बताई। एक तो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, आपके पिताजी को दादाजी को ट्रेडिशनली अधिकार है कि वो आपके ऊपर ऑथराइज्ड हैं, वो आपको पीटने का, आपसे कोई काम निकलवाने का, करवाने का उनको पूरा अधिकार है, तो वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वो जन्मजात लेकर आए ये अधिकार, आपका जन्म हुआ तब से उन्हें अधिकार है, वो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये आता है करिज्मेटिक अथॉरिटी, आप ऑल ऑफ सडन किसी बंदे को कहते हैं कि आपको अथॉरिटी है, आप कल से ज्वाइन कीजिए ऑफिस को, और आप मान लीजिए आप ओनर हैं, आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं और आप उससे कहते हैं भैया आपको पूरी अथॉरिटी है, आप ऑफिस में जो भी इलीगल काम हो रहा है उसे हैंडओवर करेंगे मुझे, और अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत हो रही है तो आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते, या कोई थर्ड पर्सन उन्हें ये नहीं कह सकता कि आप इनको ये अथॉरिटीज़ मत दीजिए, या कल को अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, पॉइंट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कैरिज्मेटिकली वो अथॉरिटी मिली है, ऊपर से उनको ये अथॉरिटी मिली है, ठीक है। उसके अलावा होता है लीगल और रेशनल अथॉरिटी, जो कि आप पुलिस ऑफिशियल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स इनको देखते हैं, लीगली इनको अधिकार है। डॉक्टर आपके अगर जो है आपके बॉडी के अंदर कोई स्टिच भी दे रहा है, कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया तो उसे निकाल भी रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा बॉडी पार्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अथॉरिटी है कि वो आप अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको अथॉरिटी है कि वो आपको सही करें, ठीक है। तो ये लीगल या रेशनल अथॉरिटी कहलाती है। अथॉरिटी हैज़ टू वर्क विद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द कंट्री एंड इट्स कल्चर एंड वैल्यूज रिलेटेड टू इट्स ट्रेडिशनल एंड मोर कंसेप्ट एट्सेट्रा। जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है कंट्री के, या उसके कल्चर या वैल्यू से रिलेटेड है, तो वो ट्रेडिशनल या मॉरल कंसेप्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये हमने जो स्टडी किया है ये पूरा बेस्ड है किस पर, अथॉरिटी पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेगिटिमेसी की। लेगिटिमेसी क्या है? अ कंसेंसस बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, जो रूलर है और जो रूल्ड हो रहे हैं उनके बीच का जो कंसेंसस है उसी को कहते हैं लेगिटिमेसी। इन द फॉर्म ऑफ अ कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, लेगिटिमेसी डज नॉट इम्प्लाई टू बी अ लॉ, इंस्टेड इट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज एंड ट्रस्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड द रूल्ड विच मेक द गवर्नेंस लॉफुल। In modern democratic system of governance, participation or shareholding of the people is regarding the proof of legitimacy of a state. Legitimacy is actually a link between power and authority. आपके पास power है, आपके पास authority है, तो उसके बीच का जो link है वो है legitimacy, ठीक है। The concept of power, authority and legitimacy are very close to each other. In the event of lack of power, it is impossible to establish peace and system and justice and happiness in the society. ये तीनों चीज़ें मिलाकर ही एक किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है पीस और एक बहुत ही शांत जो वातावरण है उसकी स्थापना की जा सकती है। ये तो हमने पढ़ा पावर, अथॉरिटी और लेगिटिमेसी के बारे में। अच्छा, अब आगे जो आप देख रहे हैं, आगे ये जो स्लाइड मैंने ओपन की है ये वही है जो हमने अब तक पढ़ी है, ये वही चीज़ें हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। पावर किसे कहते हैं, लेगिटिमेसी किसे कहते हैं, अथॉरिटी किसे कहते हैं, इसके अलावा फोर्स किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पावर किसे कहते हैं, इकोनॉमिक पावर, रिसोर्स है ना, मनु के अकॉर्डिंग, मनु जो थे, मनु ने स्मृति लिखी थी, मनुस्मृति, काफ़ी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने, तो उसे मनुस्मृति कहा गया था उनकी बुक को। और इसके अलावा ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत जब हुई थी उसकी शुरुआत इन्होंने की थी ऐसा माना जाता है। इसके अलावा गांधी जी के बारे में बताया गया है, नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है, मार्क्सिज्म के बारे में बताया गया है, आइडियोलॉजिकल पावर के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी जो कंसेप्ट हैं, प्रेशर ग्रुप्स किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, ह्यूमनिज्म किसे कहते हैं, मॉइस्ट किसे कहते हैं और पब्लिक ओपिनियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने सारे टर्म्स जो है अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ये देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मिरेकल के तौर पे किसी को कोई पावर मिल जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को मिरेकल के तौर पे एक पीएम की पोस्ट मिल गई,
अब उनके पास वो कैरिज्मेटिक अथॉरिटीज़ हैं, एज अ पीएम वो ऑथराइज हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्लास स्ट्रगल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। आप इनको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इन पर इनसे रिलेटेड मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन डाले हैं, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी क्या है इसके डेफिनेशन, प्रेशर ग्रुप्स क्या है उनकी डेफिनेशन, और मॉइस्ट क्या है उसकी डेफिनेशन। ये सारी चीज़ें आप होमवर्क में लिखेंगे, फेयर नोटबुक में लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस की, और मुझे सबमिट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप वो वर्क, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, जिनका वर्क नहीं आ रहा है उनके लिए वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए और उनसे बात कीजिए, उनका नाम कट भी किया जा सकता है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं करिएगा, आप बिल्कुल जो है कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन स्कूल ले इससे पहले आप अपने होमवर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करके डिपॉजिट करवाइए, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। पावर हमने पढ़ लिया, अथॉरिटी पढ़ लिया, और लेगिटिमेसी पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और भी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड कर दूँगी। आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उनके आंसर्स को नोट करेंगे, जो जो नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उसके बेसिस पे आप मुझे जो क्वेश्चन मैं इन PDF में आपको दे रही हूँ उसके अंदर से भी आप आंसर नोट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे उन सारी चीज़ों को, आपके वर्क को, ठीक है। ये आपका फोर्थ लेसन था जिसमें हमने वीडियो था जिसके अंदर हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 को कवर कर लिया है। अब हम कल से चैप्टर 3 को इनिशिएट करेंगे। सो आप बने रहिएगा इस ऑनलाइन ग्रुप से, सब्सक्राइब कर लेना ऑनलाइन ग्रुप को, ठीक है, और वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट रखिएगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।